हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू स्टडी व्लॉग डे 3। नए दिन की शुरुआत करते हैं बहुत सारी नई उम्मीदों से, और इस पोस्ट इट नोट को हम लेके जा रहे हैं दूसरे रूम में, क्योंकि हम दूसरे रूम में पढ़ने वाले हैं आज। तो इससे पहले पेस्ट कर देंगे और ये 110 दिन को काट के 109 दिन रख लेंगे। इसके बाद मैं फ़र्स्ट प्रेफरेंस दूंगी खाना बनाने को। आज मैंने रोटी और सब्ज़ी बनाई खाने में, और ब्रेकफास्ट के बाद हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ शूज़ निकाले थे पुराने, इन्हें मैं रखूँगी बाथरूम में ताकि मैं इन्हें धो सकूँ। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी सी बात कर लेंगे आपसे। आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मैं शाम को सोती हूँ, यानी कि 4 से 6 के बीच में सोती हूँ, जिसकी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। एज अ रिजल्ट जब मैं रात को 1 बजे सोती हूँ, सुबह 8 बजे उठती हूँ, तो मुझे सुस्ती फील होती है, बिकॉज 8 बजे तक ऑलरेडी सूरज सर पे होता है और बहुत धूप चल रही होती है। तो मैंने आज ये सोचा है कि जब भी मुझे शाम को नींद आएगी तो मैं ऐसा करूँगी कि शाम को मैं या तो कॉफ़ी पी लूँगी, या फिर मम्मी से बात कर लूँगी, या फिर और कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो नींद से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो करूँगी ताकि मुझे नींद ना आए। सो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा नहाने चली गई, और नहा के हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। मैंने सोचा थोड़ी सी नींद आ रही थी तो मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, और गर्म कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आज मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई। और ये जो कॉफ़ी का पाउच है ना, इसमें कम छेद करने के पीछे भी एक कारण है, क्या ये कि उससे ज़्यादा कॉफ़ी नहीं आती है और हम ज़्यादा कैफ़ीन नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्फ़ डाल रही थी और उसमें से एक बर्फ़ का टुकड़ा नीचे गिर गया, बट मैं 2 बर्फ़ के टुकड़े नहीं डालूँगी, डालने मैंने 3 ही है। यहाँ पर मैंने दोबारा से निकाला और उसमें डाला, ठीक है, मैंने फिर भी गर्म करके ही पी थी ये। तो आज ना हमने अपने स्टडी स्पेस को चेंज किया है, शिफ्ट किया है एक्चुअली दूसरे रूम में, बिकॉज़ उस रूम में जब धूप आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमने यहाँ पे नीचे दलीचा बिछाया, उसके ऊपर चद्दर बिछाई, और ये हमारा क्यूट सा स्टडी स्पेस बन गया। तो आज मैं गोल बनाने की कोशिश कर रही थी कि इस संडे तक मुझे क्या क्या चीज़ें ख़त्म करनी है, तो मैंने थोड़ा सा वीकली गोल पे ध्यान दिया और उसके बाद बैठ गई पढ़ने। तो यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी और मैं फिर बनानास ले आई। आप लोग भी बोलते होंगे कि हाँ पढ़ती कम है खाती ज़्यादा है, बट क्या करूँ, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें भूख प्यास सब कुछ तभी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अपने साथ रख लिया ताकि मुझे भूख प्यास कुछ भी ना लगे और स्ट्रेट अवे मैं पढ़ पाऊँ। तो स्टडी सेशन काफ़ी फोकस्ड था। मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे फर्स्ट व्लॉग देखने के बाद कि आप करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करते हो, तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था, बट हाँ जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा, तो करंट अफेयर मैं अफेयर्स क्लाउड से प्रिपेयर करती हूँ। अफेयर क्लाउड का PDF या अफेयर्स क्लाउड की वीडियो देखना प्रेफर करती हूँ, और मैं जो डेली वाले होते हैं ना या 2 दिन वाले जो होते हैं वो पढ़ना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज जो हफ्ते वाले होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे खाना खाना चाहिए, बट आज मैंने दोपहर का खाना स्किप किया, बिकॉज हाँ ठीक है, भूख लग भी रही थी, नहीं भी लग रही थी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो आज मैंने जो दोपहर के लंच का टाइम था वो भी मैंने आज स्टडीज़ में ही दिया है। और तो ये जो टाइम था ये था 4 से 6 बजे के बीच का, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा था बिकॉज मैं डेली नैप लेती हूँ, बट आज मुझे अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स करना था तो मैंने आज नैप नहीं ली, और मैं कुछ भी पढ़ रही थी, जो भी मेरा मन कर रहा था वो देख रही थी, बीच में यूट्यूब जो भी। तो ठीक है, इतना इफेक्टिव नहीं था वो टाइम, लेकिन हाँ मैं सोई भी नहीं। इसके बाद एक्चुअली आज हमने मंगाया था अपना, मतलब पहले हमने मंगाया था अपना हेयर स्ट्रेटनर, जो कि आज डिलीवर हुआ, और काफ़ी दिनों से मेरे बालों की हालत बहुत खस्ता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अंडर नरिश्ड हैं। तो आज हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने हेयर को स्टाइल किया जाए और एट द सेम टाइम इसको भी टेस्ट किया जाए, तो ये पास हो जाता है अपनी टेस्टिंग में। सो डिनर करने के बाद का ये सीन है जो मैं शूट कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए चुन्नी भिगो के पैरों के नीचे रखी हुई थी, और ये जो मेरी बुक्स हैं इनको हमने साइड में किया फाइनली और चले गए सोने। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।